इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो और वो घंटा दबा दो मार दो ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपके पास मैसेज आ जाए ओके सब्सक्राइब लाइक द वीडियो वो तो बाद में अगर अच्छी लगी लगेगी सो व्हाट्सअप गाइस माइक नहीं आया सो आई थॉट काम क्यों रोकना बना ही लेते हैं वीडियो सो आई होप आई एम ऑडिबल टू यू सो आई विल बी मेकिंग दिस वीडियो लाइक दिस ओनली एंड सो टुडेज टॉपिक यू हैव सीन सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज दैट लास्ट कपल ऑफ डेज हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर मी आई हैड सम इशूज विद माई इन माई लाइफ विद पर्सनल इशूज एंड what I learned is that we all should know that life is uncertain so we cannot plan everything so life has life takes its own course and it has plan for each one of us depending on how we do things so whatever you do whatever we plan to do it will not go the way we planned always so we have to be on guard we have to be strong we have to be firm with our faith that something is better for us and we have to stand strong we should be able to face the struggles and come out as a champion and be victorious that's how you live a life so the work should not stop I make this video and this is one thought that I wanted to convey with you guys. Be strong. I'm also trying. It's not easy. I'm trying but okay. Let's make the video. Enough of this. So like you've seen the thumbnail. How to get physique, the body like these people. Okay. So we'll make the video now. Okay. Bye. Yeah. I didn't think that I had a debt to pay till they came to take all I had left away. You said you wouldn't put me to the test today, but I remembered you saying that yesterday. There was a time when your mind wasn't out of control. Every memory of confession pouring out of your soul, like a pill you couldn't swallow, and it swallowed you whole. Another lie hard to follow till it followed you home, and like that broke you down. All of you are doing good and let's make the video and let's discuss this topic okay so this topic ko samajhne ke pehle I'll tell you a story here stay with me puri video dekhna bahut important hai ek dost tha mera usko chahiye tha usko lamborghini chahiye thi to mere paas aaya kehta bhai mujhe lamborghini chahiye acha theek hai le le है तो अगली बार जब मैं उसे मिला तो वो लैम्बोर्गिनी कुछ ऐसी दिखी मुझे लगा कुछ दिक्कत है कुछ तो प्रॉब्लम है भाई तो मैंने पूछा उससे कि दिस इज लुकिंग समथिंग डिफरेंट मैन नॉट द सेम तो उसने मुझे बोला कि यार देख मेरे पास उस टाइम पे ना मेरा इतना खर्चा करने का मन नहीं था और बहुत झंझट थे मैंने क्या किया मैंने ली मारुति और उसको मॉडिफाई करा दिया एकदम बढ़िया आधे प्राइस पे अच्छा मैंने बोला चल राइड पे चलते हैं तो राइड पे गए तो जब वो राइड पे गए हम और जब तक वो कार 100 पे पहुंची उसके सारे पुर्जे हिलने लगे मैंने बोला भाई दिख तो रही है ढंग से भी नहीं दिख रही वैसी दिख तो रही है बट काम नहीं कर रही है सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इफ यू वॉन्ट टू बी अ लैम्बोर्गिनी बी अ फकिंग लैम्बोर्गिनी
डोंट बी अ मर्द. अब इससे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, यू सी विराट कोहली, यू सी यूसेन बोल्ट, यू सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यू सी कॉनर मैकग्रेगर, दीज आर वर्ल्ड क्लास एथलीट्स. डू यू थिंक दे गो टू द जिम विद अ थॉट कि यार चला आज ना एब्स मारेंगे, ये ना एब्स की वाली लाइन नहीं दिख रही, चेस्ट की वाली लाइन नहीं दिख रही, शोल्डर नहीं दिख रहे, दे डोंट गिव अ रैट्स एस. दे जस्ट गो टू द जिम सो दैट दे बिगिन ट्रेन एंड उसका जो बाई प्रोडक्ट है उसकी फंक्शनैलिटी दे कैन अप्लाई इन देयर गेम्स, दे कैन परफॉर्म इन देयर गेम्स. रोनाल्डो वन ऑफ द बेस्ट इन द मोस्ट ब्यूटिफुल फिजिक्स, यूसेन बोल्ट, यू सी द पिक्स, कौन, देर आर मेनी एथलीट्स, आई हैव टेकन दीज फोर बिकॉज दीज आर टॉप फोर एथलीट्स इन द वर्ल्ड. सो वी टू अंडरस्टैंड दे डोंट गो टू द जिम कि चेस्ट ऐसे फ्लाई मारेंगे, यहाँ से फैट भी जाएगा, यहाँ से मसल भी बढ़ेगा. दिस इज स्टूपिड. बॉडी डजंट वर्क लाइक दैट, बॉडी नेवर वर्क्स लाइक दैट. Anybody who tells you this, just get rid of that person. So, what the point that I'm trying to make is, if you want to look good, if you want an extraordinary physique, the point I'm trying to make is, aesthetic body may be athletic, but athletic body has to be fine. गेट में पॉइंट, बड़ा अच्छे लगते हो तो शायद आप एथलेटिक हो, मे बी नॉट. जिम में जाके कुछ भी करो यार, टेढ़ी मेढ़ी एक्सरसाइज, उल्टे लटक के बाइसेप मारो, कोई तो मसल वर्क कर रहा, कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा. मसल ग्रो करना इज ईजी, इट्स नॉट ईजी, बट मसल ग्रो करेगा. कुछ भी करो, गलत मारो, शोल्डर में पैसे करके मारो, लैटरल डेल्टॉइड नहीं एंटीरियर डेल्टॉइड तो काम कर रहा है, ये बढ़ जाएगा. But that's not the point. The point is to do the workouts with correct form and technique. You should work your body as one unit, strong unit. You should be very strong, athletic. If you look good, you should be able to perform like that. That's what my point is. So focus on your athleticism. Take a notebook when you go to the gym. Write down everything. 20 मिनट भागा, 20 मिनट में कितनी स्पीड में भागा और कितना किलोमीटर किया मैंने. अगले हफ्ते कंपेयर, बिकॉज इफ यू डोंट नो वेयर यू स्टैंड, यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो. दैट्स माय पॉइंट इज, यू नीड टू नो वेयर यू स्टैंड. कीप द नोट्स विद योरसेल्फ. बेंच प्रेस 4 सेट, कितना वेट, कितने रिपीटेशंस, अगली बार वेट बढ़ा के रिपीटेशन कितने आए, देन यू विल सी एक एक हफ्ते में आपकी बॉडी में जो ऐसे चेंज, एविडेंट चेंजेस दिखेंगे आपको अपनी बॉडी में, स्ट्रेंथ में, मसल डेवलपमेंट में. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू लुक गुड, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लुकिंग गुड व्हेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट. यू कैन नॉट रन, यू कैन नॉट लिफ्ट, देयर इज नो एंड्योरेंस. बड़े बड़े शरीर बना के तुम्हारे को लाइन में खड़ा कर दें किसी ऑफिस के, तुम्हारे कमर और घुटने बोलने लग जाएंगे. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ बॉडी लाइक दैट. बी स्ट्रॉन्ग, बी एथलेटिक. सो एजिलिटी, वर्क ऑन हाउ टू डू दैट. नाउ द पार्ट, नेक्स्ट पार्ट कम्स, हाउ टू डू दैट. आई विल टेल यू 4 कंपोनेंट्स. ओके, कार्डियो, कार्डियोवैस्कुलर, योर lungs capacity should be good, strength, muscular strength, should be able to lift, muscular endurance, you should be able to last long. धूप में खड़ा होना है लाइन में, वो लगता कोई दिक्कत नहीं है. धूप में खड़े हो ऐसे खंभे पे नहीं लटक के खड़े हुए, या ऐसे लगी पड़ी ऐसे खड़े हुए, खड़े नॉर्मल खड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज एंड्योरेंस. फोर्थ इज फ्लेक्सीबिलिटी. नोबडी वर्क्स ऑन देयर फ्लेक्सीबिलिटी. दीज गाइज कम अप टू मी एंड से दैट, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या बड़े लोग होते हैं जिनके मसल्स बड़े हैं, वो मस्कुलर, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, बिकॉज वो ऐसा ही होता है, वो स्टिफ हो जाते हैं. आई डोंट हैव एनी आंसर्स टू गिव, बिकॉज दैट इज
so false. That's such a false statement. So, if you don't work on flexibility, you will never be flexible. The biggest example of that, I can prove this statement wrong by looking at Kai Greene. He's a big guy. Have you seen his flexibility? He's so flexible. He's flexible as a band. He's very flexible. So if you're building muscles and you're not working on your flexibility, of course you will be stiff because you're not practicing it. If you work on it, you will be flexible. But flexibility is very important. Do it after the workout. Why? Another video. Mechanism and science of flexibility. Next video. But understand, agar in char components mein se ek bhi kam hai, then problem hai bhai sahab. Bahut badi problem hai. Flexibility nahi hai, poori dhang se squat nahi maar pa rahe, pura niche nahi baith pa rahe, injury ho jayegi, muscle tight hai, kuch bhi ho jayega, strength nahi badhegi, range of motion nahi hoga. Ek to aadhe log ye 200-200 kilo ke barbell pe squat aise karke ऐसे स्पॉट मार दो, 300 किलो भर दो, मैं ऐसे पीछे चला जाऊँ, खड़ा हो गया और वापस आ रहा हूँ, हो गया स्पॉट. नो रेंज ऑफ मोशन, यू आर नॉट यू डिफीटिंग द पर्पस ऑफ वर्किंग लेग्स. गो डाउन एज टू ग्रास अप. वर्क ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस. डू कार्डियो एटलीस्ट 2 days a week. Okay? Every person has their maximum heart rate. Do not go beyond that because it can be fatal. Uski calculation kya hai? What is the mechanism and science of cardio? Next video. So, main sara video banaunga, aapko sab samjhaunga, but include cardio. Do be athletic. Cardio karo 2 din hafte mein. Agility pe kaam karo. Agility kya hai? Football khel rahe ho. अब फुटबॉल यहाँ से कोई आगे तो यू हैव टू गो देयर, यहाँ से कोई आगे यू हैव टू गो देयर. दिस इज कॉल्ड एजिलिटी. हाउ फास्ट यू आर, वर्क ऑन दैट. बिकॉज़ देन योर मसल्स, बहुत सारे मसल्स आपके लेग्स में. लोगों को बस पता है यहाँ पे थाई, यहाँ पे क्वाड्स है, यहाँ पे हैमस्ट्रिंग है. देयर आर मेनी सब मसल्स. देयर आर एडक्टर्स, देयर आर एडक्टर्स, देयर आर एडक्टर्स. नोबडी ट्रेन देम. एक पैर पे खड़े हो जाओ तो बैलेंस करोगे ना, ओके. पॉड्स नहीं कर रहे, हैमस्ट्रिंग नहीं कर रहे, देयर डक्टर्स एंड रक्टर्स. हाउ टू वर्क दैट, दैट इज व्हाई यू हैव टू वर्क ऑन एजिलिटी. व्हाट टू डू फॉर एजिलिटी? लैडर ड्रिल्स जो फुटबॉलर्स करते हैं, कोन ड्रिल्स, बी फास्ट एंड वेरी फास्ट एंड वर्क ऑन योर एंड्योरेंस. दीज ऑल थिंग्स, लैडर ड्रिल्स एंड ऑल, एजिलिटी, इट कम्स अंडर एंड्योरेंस. नाउ मस्कुलर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ. डू Go. Do. Do more of structural movements, compound movements. Yeah? To develop strength. अगर मैं स्मिथ मशीन पे स्क्वाट मारता हूँ तो वो कनेक्टेड है साइड से, मेरे कोर काम नहीं करेगा उसमें. मैं बारबेल छोड़ दूंगा, नीचे गिर जाएगी. जब मैं 100 किलो डाल के बारबेल विदाउट कनेक्टेड मैं पीछे आता हूँ, तब आपको पता चलेगा असली स्ट्रेंथ क्या होती है. स्क्वाट्स पूरा कोर काम करेगा. और हाँ, कोर की ना बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोर में सिर्फ एब्स आते हैं. कोर में सिर्फ एब्स नहीं आते, एब्स आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. देयर हिप फ्लेक्सर्स, देयर आर ग्लूटल ग्रुप, ग्लूट्स, देयर पैरास्पाइनल ग्रुप, एवरी थिंग कम्स इन योर, दिस थिंग कम्स इन योर कोर मसल्स. टू ट्रेन देम, डू ओवरहेड प्रेसेस विदाउट सिटिंग, विदाउट कनेक्टेड. Use your core to stabilize. Bench press, deadlifts. Develop your strength and you will see a change in your body. A very evident change in your body. So, always remember, all these athletes don't go to the gym to get the cuts or to get this body part, to this, to that. Of course, they do muscle conditioning so that they can perform. Muscles are there in your body to perform. If you are able to perform with the help of your muscles will show. It will automatically show. See, we all humans are same, but we are genetically, some of our are gifted and some of our are cursed.
Does that mean? इसका मतलब ये है कि अगली वीडियो में इसका होगा. So that's it for today. I hope you understand what I'm trying to say. Okay. Next few videos are also going to be very interesting, very scientific, so that you understand the in-depth of everything. How does small cells work and how does it create action in our body? Yeah. And quick update, I started my transformation on 20th July. It's been 15 to 16 days, I think so. And you can see a quite difference in me, you can see. So, this is what happens when you eat optimally, okay? I'm eating butter chicken, I'm eating Afghani chicken, koi nahi wo gym wale nahi karna, boiled chicken khana hai, karna hi nahi hai. I've lost 5 to 6 kg in 15 to 16 days, pure fat, no muscle loss, okay? Thoda evident hai, abhi aur, abhi toh 2 mahine se zyada bacha hua hai transformation. By the end of 2 months, I will show you how to get ripped without any chemical stuff, but only your stack. What is my supplement stack? Instagram pe dekhiye, main dalta hu wahan pe. Jaiye, follow kariye. Mera account band ho gaya tha, naya account khola hai. Followers nahi hai, badhayo. Dekho, wahan pe share karta hu main har cheez. So be aware of that. And body is responding very good, very good. I'm feeling much better. And mind is at my focus is very good. So yeah, that's it for today. I'll come up with another video this week. A bonus milega aap logo ko beta. Video pe video aayegi. So then take care of yourself. Be smart. Be smart. Be logical. Ask questions. And keep lifting and eating healthy. Ab अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बढ़ाओ. राइट इन्फॉर्मेशन बाहर जानी चाहिए. तो पता नहीं क्या क्या यहाँ पे बाम लगाओ, बैग्स निकल जाएंगे, व्हाट नॉनसेंस. सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, जाओ इंस्टाग्राम में फॉलो करो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. ओके, लव यू, टेक केयर.